नगर पंचायत मुंडेरा बाजार द्वारा बनाए गए वॉश बेसिन हैंड वॉश को एक ट्रॉली के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर में लाया गया, जिसको जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष लगाया गया है। वॉश बेसिन हैंड वॉश करने के लिए एक ट्रॉली में वाटर टैंक के साथ चार बेसिन भी लगाया गया है, जिसकी जांच के लिए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने खुद अपने हाथों को धुलकर उसकी जांच की, जिससे लोगों को इससे सुविधा मिल सके। हैंड वॉश ट्रॉली में साबुन भी उपलब्ध रहेगा, जिससे लोग बार बार हाथ को धुल सकें और कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त और फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया, कानपुर में बट वो 30-25 हज़ार रुपया कह रहा है, स्टील से कानपुर में है बट वो की एक ही है ना, वो ये तो चार है बनने में, किसने खर्चा पड़ा है 30,000 ऐसे सर, लोहा इसमें थोड़ा सा मजबूत लग गया है, ट्रॉली मुख्य लोग पानी भरा है क्या, पानी नहीं भरा, पानी तो है बट वो है ना, वो उसका नीचे उतारने में वजन ज़्यादा होगा ना सर। इसको सब्जी मंडी में सब्जी मंडी जैसे चार बनाए अभी और एक चित्र भी बना देना यहाँ चिपका के, ऐसे पानी भरा है क्या, इसीलिए भारी हो गया पाइप फट गया, पाइप की क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, पानी निकलेगा कहाँ भाई, चलो भाई एक में हाथ दो एक में हाथ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। और इसमें एक काम और करें, एक छोटा सा आइडिया और है, ये जो सोप वाला है ना, इसका भी केस बना के यहाँ अभी लगेगा सर, ये लग जाएगा इसके ऊपर भी, कैसे अवॉइड करेगा, नहीं यहाँ केस लग जाएगा, वैसे केस लगाओगे तो आदमी दगाएगा, बीच में लगा दे बीच में, इधर इधर यहाँ बीच लग जाएगा, यहाँ बीच में जाएगा, ट्रेन नीचे खिसका देगी, भी छेद कर दीजिए इसके भी, इसके इसलिए कि देखिए उसका पानी है, आपने तो क्रेडिट भी तो आप ही को जाए, नीचे नहीं दिखाई देगा, यहाँ सामने दिखाई देगा कि आपने बनाया, बहुत बढ़िया स्वच्छता ट्रॉली नाम से, तो इस पे आप यार 20-25 बनवा लीजिए, 5-5 सब जगह बन गई सर, सभी नगर पंचायतों में स्वच्छता ट्रॉली, नहीं यहाँ गोरखपुर में कम से कम 25 तो मंगा लीजिए, हम तो हर जगह खड़ा कर लेंगे, बलोटिया मार्केट हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे, अच्छा कुछ एक एक हमने कल कहा कि एक एक मंगा लेते, जो बंदा दिखा रहा था वहाँ वाला वो छोटा वाला स्टील वो हाथ वाले जी जी, वो करीब 27,000 27,000 बट ऑफिस के लिए रखना ठीक है, वैसे मॉडल है वो हाथ में दो चार ये पब्लिक के लिए ही बेहतर है, पब्लिक के लिए बेहतर है, इसका हैंडल बढ़ा लें यहाँ पर वो चॉप कर लें, खासतौर पर ये जो है ना कहाँ पोर्शन पब्लिक यूज में है उसको थोड़ा मजबूत कराएंगे, ताकि ज्यादा लोग यूज करेंगे फिर टेढ़ा मेढ़ा, और लंबी टोटी कर ले सेंटर तक, मोबाइल मोबाइल टॉयलेट की क्या स्थिति है जी जी, सारे थोके अपनी कूड़ादान बना देंगे, सही सही कह रहे हैं, दो लीटर बेसिन बेसिन आप इधर कहीं एडजस्ट कर सकते हैं, इधर भी दो बेसिन आ जाएगा, उधर भी दो बेसिन आ जाएगा, देख लीजिए ताकि वो स्पेस तो है इसका, यदि टंकी की कैपेसिटी बढ़ेंगे चारों तरफ तो 1,000 का हो जाएगा, नहीं तो दो गजे की एक भी रख लें, दो गजे की एक भी रख लें, एक हो जाएगा कम से कम, ये स्पेस यूज हो जाएगा, अंदर कर लें अंदर कर लें, ऐसे कर लें मत बाहर करें, स्पेस ले रहा है अंदर कर लें, ट्यूनिंग करानी होगी, दो तीन घंटे लगे।
लगेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय, गोरखपुर की प्रेरणा से हमारी सभी नगर पंचायतों के द्वारा ये वॉश बेसिन है, ये 5-5 वॉश बेसिन बनाए गए हैं। आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि हम यहाँ जो नगर निगम का क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे भी जगह जगह लगभग 20 से 25 स्थलों पर इसको रखा जाए। इसकी खूबसूरती ये है कि इसमें आप देख रहे हैं 4 वॉश बेसिन बने हुए हैं, ऊपर पानी का टैंक लगा हुआ है और सोप रखा हुआ है। और सभी से अनुरोध है, जो एक सुमन के पद्धति है, सुमन के पद्धति का तात्पर्य है कि पहले सीधा, फिर उल्टा, फिर मुट्ठी, फिर अंगूठा, फिर इसके बाद नाखून और कलाई, इस प्रकार से लगभग 30 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छी तरह से धुलना है। आप जितनी ज़्यादा बार, जितना जल्दी जल्दी आप हाथ धुलेंगे, उतना ही आप कोरोना से स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। क्या सर इस पे इस तरह का स्टिकर भी लगाया जाएगा, हाथ धुलने का तरीके का जो पोस्टर है? हाँ हाँ, हाथ धुलने का कैसा तरीका है वो भी हम लोग, जो 6 प्रकार है उसमें कि हाथ को कैसे धुलना है, उसको भी लगा देंगे। उसका तो प्रचार प्रसार हो रहा है, आसपास में होर्डिंग्स जो लगी हुई हैं उस पर भी ये है कि हाथ को कैसे धुला जाए। सर बेसिन भी लगा तो क्या इसमें सैनिटाइजर और साबुन भी उपलब्ध रहेगा? साबुन तो रखा ही रहेगा, सैनिटाइजर की ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि आप अपना हाथ धुल लेंगे और बार बार धुलेंगे तो सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं रहेगी।